नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। कमज़ोरी लगना या अत्यधिक थकान का अनुभव करना आज के दौर में एक आम समस्या बनी हुई है। जब भी हमारे पास कोई मरीज़ अत्यधिक थकान या अत्यधिक कमज़ोरी की शिकायत करे तो हमें उसमें कैसे प्रोसीड करना है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी को समझेंगे। तो मान लीजिए कि मरीज़ ये कहता है कि डॉक्टर, कुछ समय से मुझे बहुत सुस्ती लगती है और कोई काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, कमज़ोरी कमज़ोरी सा एहसास होता है, जबकि कोई बुखार नहीं है फिर भी बीमार बीमार सा लगता है, सुस्ती लगी रहती है, थकान बनी रहती है। तो ऐसे में सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी भूख कैसी है। तो आपकी भूख कैसी है? क्या आपको बार बार भूख लग रही है? क्या आपको बार बार यूरिन करने के लिए जाने का मन कर रहा है? क्या आपको प्यास भी बार बार लग रही है? अगर ऐसा होता है तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अब ये डायबिटीज़ मेलाइटिस है या नहीं है, इसे हम ब्लड टेस्ट के माध्यम से कंफर्म कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या ब्लड टेस्ट करना चाहिए? तो इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, यानी कि खाना खाने से पहले आपके ब्लड में शुगर का लेवल है उसको जांचना है, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपके खून में ब्लड शुगर, आपके खून में शुगर की मात्रा कितनी है उसको जांचना है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर आपको मापना है। साथ ही साथ आपको फास्टिंग यूरिन शुगर और पोस्ट प्रांडियल यूरिन शुगर को भी मापना है। हम HbA1c, जिसे हम ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये HbA1c भी हम टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि हमको 3 महीने का एक एवरेज पता लग जाता है कि पिछले 3 महीनों में ब्लड शुगर का जो लेवल है वो कैसा रहा है और किस तरह का कंट्रोल उसके ऊपर बना हुआ है। तो इस तरीके से हम डायबिटीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। अब अगर इन सारे सवालों का जवाब ना होता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं है। फिर क्या हो सकता है? इस कमज़ोरी का जो दूसरा मुख्य कारण हो सकता है वो है एनीमिया। तो ऐसे में हमें मरीज़ की जीभ, उसकी कंजंक्टाइवा और उसके स्क्लेरा को एग्ज़ामिन करना चाहिए। अगर हमें उसकी जीभ और उसकी स्क्लेरा में हमको पैलरनेस दिखता है, सीवियर पैलरनेस दिखाई देता है, जो थोड़ी सफ़ेदी जैसा दिखाई देता है, यूजुअली वो लाल होना चाहिए, लेकिन अगर वो थोड़ा सा सफ़ेद, थोड़ा सा पेल दिखाई देता है तो संभवतः ये एनीमिया हो सकता है। लेकिन उसी स्थान पर अगर हमको उसका कंजंक्टाइवा हल्दी की तरह पीला दिखाई दे, जिसके अंदर थोड़ा येलोइशनेस दिखाई दे स्क्लेरा के अंदर, तो इसका मतलब है कि समस्या का कारण एनीमिया नहीं जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस है या एनीमिया है, इसको कंफर्म करने के लिए आप ये पूछ सकते हैं कि क्या बर्फ़ या कच्चे चावल या मिट्टी की खड़ी खाने का मन करता है। अगर हाँ तो ये एनीमिया हो सकता है। अगर ना, तो मरीज से पूछिए कि क्या यूरिन हल्दी की तरह पीला होता है, क्या पसीने से हल्दी की तरह कपड़े पर दाग हो जाते हैं। अगर हाँ तो ये जॉन्डिस हो सकता है। इसको अगर हमें कंफर्म करना है ब्लड टेस्ट के माध्यम से, तो ब्लड टेस्ट के माध्यम से हम उनको कंप्लीट ब्लड काउंट और लिवर प्रोफाइल ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमको हीमोग्लोबिन का स्तर पता चल जाएगा, जिससे हम एनीमिया को रूल इन या रूल आउट कर सकते हैं। उसके अंदर हमको और भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिससे हम इन्फेक्शंस को भी रूल आउट कर सकते हैं या रूल इन कर सकते हैं। दूसरा, लिवर प्रोफाइल से हमको अगर लिवर में कोई सूजन है तो वो भी पता लग जाता है। अगर जॉन्डिस है तो सीरम बिलिरुबिन हमको उसके अंदर बढ़ा हुआ दिख जाएगा, तो जिससे हम जॉन्डिस है या नहीं है वो भी हम पता कर पाते हैं। अब मान लीजिए कि एनीमिया भी नहीं है, जॉन्डिस भी नहीं है, डायबिटीज़ मेलाइटिस भी आप रूल आउट कर चुके हैं, तो ये क्या हो सकता है? तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होने की बात है कि तब हमको ये समझने की बात है, हो सकता है कि ये टीबी की यानी ट्यूबरकुलोसिस की शुरुआत हो, ये ट्यूबरकुलोसिस का प्रारंभ हो। तो हमको ऐसे में मरीज़ से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि क्या उसकी सांस फूलती है चलने में, क्या उसे लंबे समय से खांसी हो रही है, क्या शाम के वक्त हल्का हल्का बुखार आ जाता है, क्या बुखार के वक्त ढेर सारा पसीना हो जाता है। अगर हाँ
तो ये ट्यूबरक्लोसिस की शुरुआत हो सकती है। ऐसे मरीज़ को आप जब एग्ज़ामिन करेंगे तो आपको चेस्ट में, रेस्पिरेटरी साउंड्स में आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि लंग्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे मरीज़ के चेस्ट को ऑस्कल्टेट करने से, रेस्पिरेटरी साउंड्स सुनने से, कार्डियक साउंड्स को एग्ज़ामिन करने से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अच्छा, कौन सा टेस्ट हमको ब्लड से कंफर्म करना होगा ब्लड टेस्ट में? तो मॉन्टूक्स टेस्ट करवाकर टीबी है या नहीं है इसको रूल इन या रूल आउट किया जा सकता है। अब मान लीजिए ऑस्कल्टेशन में हमको कार्डियक साउंड्स में या हार्ट साउंड्स में कोई मर्मर सुनाई दे जाता है, तो हमको तुरंत हमारे दिमाग में रखना चाहिए कि कहीं ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। हमको उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिसको हम बाद में टेस्ट के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि ईसीजी से कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम 2D इको से कंफर्म कर सकते हैं। अब हम ये मान लेते हैं ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, अगर जब ये टीबी भी नहीं है और मरीज़ कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है तो हमें उनका लिवर और उनका स्प्लीन पालपेट करके देखना चाहिए, उनको लिवर और स्टमक को पालपेट करके देखना चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्ग व्यक्तियों में कैंसर की समस्या या कैंसर की संभावना हमेशा होती है, तो उसे हमें अपने मन में एक संजो कर रखना चाहिए इस विचार को। अगर ये सब कुछ नॉर्मल समझ आता है तो संभावना है कि थायराइड ग्लैंड का कोई विकार हो सकता है। ऐसे में मिक्सी एडिमा के साइंस को ध्यान से परखने की ज़रूरत है। क्या मरीज़ की आवाज़ मोटी होती जा रही है? क्या उसका पल्स रेट स्लो चल रहा है? क्या उसके डीप रिफ्लेक्सेस स्लो और डिलेड हो चुके हैं? ऐसे में एक थायराइड प्रोफाइल टेस्ट यानी T3, T4 और TSH का टेस्ट करवा कर हमें थायराइड के डायग्नोसिस को रूल इन या रूल आउट कर लेना चाहिए। अब अगर ये सभी रिपोर्ट्स, ये सारे जो एग्जामिनेशंस हम कर रहे हैं, ये सारे नॉर्मल आते हैं, तो तब ये संभावना बनती है कि मरीज़ किसी बात को लेकर डिप्रेशन में है, किसी बात को लेकर तनाव में है, किसी बात को लेकर वो इमोशनली हर्ट है, या किसी बात को उसके मन में कोई दुख है या कोई परेशानी है जिस वजह से वो डिप्रेशन से जूझ रहा है, और ये डिप्रेशन एक कारण हो सकता है जिस वजह से उसको सुस्ती का एहसास हो रहा है, उसको थकान थकान सा लग रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।